सीओ साहब से भी मिले, सीओ साहब से मिलकर हम उनके जहन में ये डाले कि वक्त की जायदाद अंबरगढ़ में कई ऐसी जायदाद है जो अंबर बाबा के नाम से मौजूद है और इमाम हुसैन आशिर खान के तालुक से एक करोड़ की जायदाद है। हम उनको बताएं कि साहब के कई लोग साबित हो रहे हैं, आज उनके ऊपर उससे कुछ करके उनके ऊपर कार्रवाई की शुरू करके बोले, मगर यह मामला जलालुद्दीन अकबर साहब जो एसओ थे स्पेशल ऑफिसर उस टाइम पे कार्रवाई को आगे बढ़ाई गई, जब से जो काम रुके हुआ है आज तक भी काम नहीं रुके हुआ है। पिछले दिन रिसेंटली अंबरगढ़ के अंदर मास्टर प्लानिंग हुई, आप लोग तकरीबन लोग जानते हैं मास्टर प्लान अंबरगढ़ के अंदर मास्टर प्लानिंग हुई, उसके अंदर कई ऐसे अंबरगढ़ में रोड ब्रांडिंग के अंदर कई जायदाद आ गए वक्त के करोड़ों रुपए सेंक्शन हुए, उसके अंदर 2,54,00,000 रुपए एक हमारे ही एक भाई है जिसमें से एक खाना मस्जिद का इशू मालूम ना आप लोगों को, तकरीबन लोग सुनिए एक खाना के इशू के तालुक से, तो अपना ही भाई एक जना फिर से रिलीज करा लिया हर की जायदाद के ऊपर, लोग मस्जिद मस्जिद बोल के अपना उठाए, कई लोग अपने नौजवान बच्चे उसके अंदर मारा गए, हिंदू मुसलमान फसाद हो गया उसके अंदर। उस टाइम पे हमारे मुस्लिम जायद अली खान साहब हजीज पाशा साहब वो लोग की फोन करें मेरे को, तो तकरीबन ये माहौल को ठंडा करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करें उस टाइम पे अंबरगढ़ के अंदर, कि हमारा मकसद है कि वक्त की जायदाद को हासिल करना है, नफरतें फैलाना नहीं है हमारा, तो इसीलिए अंबरगढ़ के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें बढ़ जा रही थी, हिंदू मुसलमान क्योंकि ये मजलिस के लोग और थोड़े ऐसे शरपसंद लोग हैं, इनकी ख्वाहिश है कि अंबरगढ़ के अंदर चुकी फसाद होना और इनकी कुर्सी बरकरार रखना बनके, तो हम ये नहीं चाहते, हमारा मकसद है कि हिंदू मुसलमान एक रहना और इस पर गरीबों की भलाई जाना बनके हमारा मकसद है। तो मैं तमाम लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि पिछले एक अंबरगढ़ के अंदर एक जायदाद थी 1,00,000 वो जमीन रोड बिल्डिंग में डिमोलिश हुई, तो उसको 4 करोड़ पे उसको सैंक्शन किया गया, वो अकबर में भी मौजूद है सकते थे, तो वहाँ चल किराएदार थे 8-9 दस हैं, तो तकरीबन नंबर बेड के जो सरपसंद लोग है उनको हटाने के लिए उनको खबरदार बताया गया उनको, अरे लोग लाइन बराबर बोले, तो हम जाके तहसील करे, मैं हरीश पाशा साहब को भी बुलाया, हम जाके तहसील करे वो जमीन का जायजा लिए, तो 40 साल से वो लोग किराएदार है, तो हम जाके बात करके वो जायजा लिए बाद हम बात करें चेयरमैन साहब से बात करें कि ये लोग लाइन ड्रा कर रही है, ये लोग किराएदार है, जमीन को प्रोटेक्ट करे सवाल है, जमीन को कब्जा करे सवाल है, जो लोग आपको बोले वो लोग खबर ये जमीनों को कब्जा करे बोल के हम बताए। आप देखिए अंबरगढ़ के अंदर अगर सी एक्सलेंस स्कूल तकरीबन लोग जानते अगर सी एक्सलेंस स्कूल जो प्रॉपर्टी पे डाला गया है 1 एकड़ जमीन है, उसका किराया क्या है मालूम है आपको, 1 एकड़ जमीन का किराया जा रहा ना हैदराबाद के अंदर कर दिया गया मेरे बोस से, उसके बाद मेरे पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, तो इस दरमियान में पब्लिक के बीच में क्यों नहीं होने की वजह आप लोगों के सामने बताना चाह रहा था कि मेरे 2 साल मेरे पार्टी में सस्पेंड कर दिया गया था, पार्टी में सस्पेंड करने के बाद आज अजीत पाशा साहब की जबरदस्ती की तरफ से और उनके जिद्दोजहद की तरफ से आज मुझे फिर से इंसाफ का सदर बनाया गया, उसके बाद मुझे अंबरगढ़ की भी जिम्मेदारी दी गई, बराबर मैं अंबरगढ़ की भी जिम्मेदारी लूंगा और बराबर सभी जिम्मेदारी के साथ रात भी मैं आप लोगों के साथ जुड़े हुआ रहूंगा, जो लोग भी इधर आए मैं उनका दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तमाम ऑटो ड्राइवर जो ऑटो छोड़ के आए और जो भी लोग अपने काम धंधे छोड़ के आए और हमारी खातिन जो भी सरदार छोड़ के जो आगे हमारे साथ वक्त बिता रहे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके जो भी मसले मसाए रहेंगे इंशाल्लाह ताला हर चीज से स्कूलों के टीचर से लेके हर चीज के मसले से लेके हम बराबर उनके साथ रहेंगे, उनके मसले हल करते हुए ये मसले को आयोजन करना चाहता हूँ, और मैं जो भी हमारे सीनियर लीडर है उनके शाह और भूपटा से जो हम लोग जरा ऑल इंडिया तंजी मेरे साथ, ऑल इंडिया तंजी मेरे साथ, ऑल इंडिया तंजी मेरे साथ, लड़ेंगे लड़ेंगे हम नहीं रुकेंगे, लड़ेंगे हम नहीं लड़ेंगे जीतेंगे हम नहीं, तंजी मेरे साथ, ऑल इंडिया तंजी मेरे साथ, जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, ऑल इंडिया तंजी मेरे साथ, तालियां वाला बता रहा खालिया खालिया।
कहा जाए। अजीत पाशा साहब आवाज कोशिश कर रहे हैं। अजीत पाशा साहब बलिउल्ला गांधी साहब की गुरकुशी कर रहे हैं। सैयद अजीत पाशा साहब हरित पटन साहब की गुरकुशी कर रहे हैं। आज करीमा फंक्शन हॉल अंबरपेट में हैदराबाद सिटी की ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके अंदर मुझे सदर बनाया गया है। अली जनाब अजीज़ पाशा साहब जो ऑल इंडिया सदर है तंजीम इंसाफ के साहब ने मुझे हैदराबाद का सदर सदर की जिम्मेदारी दी, तो मैं मीडिया के ज़रिए मैं तमाम हैदराबाद के मैं उनको मीडिया के ज़रिए बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हैदराबाद के अंदर कई ऐसे वक्फ की जायदादें हैं जिसे वक्फ की जायदादों को कब्जा किया जा रहा है, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और ये एजुकेशन के ताल्लुक से और माइनॉरिटी स्किल डेवलपमेंट के ताल्लुक से और माइनॉरिटी लोन के ताल्लुक से हेल्थ डिपार्टमेंट के ताल्लुक से हर चीज़ के लिए जो भी मेरे को जिम्मेदारी दी गई है मैं बराबर इसको निभाऊँगा। और ये अंबर पे हिमायत नगर में मखदूम भवन और AITUC ऑफिस है, वहाँ हमारी ऑफिस है, जिनको भी हमारे से रात होना है वो बराबर मखदूम भवन हिमायत नगर पर आइए, मशहूर ऑफिस है CPI की, वहाँ आइए बराबर। मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम मीडिया चैनल के ज़रिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद के अंदर जो भी फ़िरका परस्ती फैला रही उनके खिलाफ़ हम बराबर उठाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे और वैसे लोगों को हम बराबर ये बताएंगे कि ये हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब है, ये दहशतगरों का शहर नहीं है, ये मोहब्बत वालों का शहर है। हैदराबाद एक मोहब्बत का मोहब्बत से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता है। हैदराबादी बोले तो अरे भाई आप लोग तो मोहब्बत से रहते हैं, हैदराबादी को इस तरीके से जाना जाता है। तो हैदराबाद का माहौल चल लोग ख़राब करना चाह रहे हैं मगर उनको हम नाकामयाब होने देंगे, हम कमिश्नर ऑफिस देंगे। ये बकरीद के मौके पर भी चल अनासर लोग इसको इस माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, तो लिहाजा ख़राब नहीं हुए ऐसा हम कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। ये जो जो भी लोग कम्युनल स्पीचा दे रहे हैं उनको इमीडिएटली उनके ऊपर उनको FIR करना उनके ऊपर और उनको जेल में जाना, बल्कि ये तंजीम इंसाफ की तरफ से नुमाइंदगी रहेंगे। शुक्रिया अल्लाह।